और भाई कैसे हो सारे। और ये है हमारी टाटा एस डीजल वेरिएंट, और मैं आपको बताऊंगा कि टाटा एस डीजल वेरिएंट जो है BS6 में वो कैसी माइलेज देता है। तो इस वीडियो में आपको इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि BS6 वेरिएंट डीजल कितनी माइलेज निकाल के दे रही है। तो ये जो मेरी गाड़ी BS6 है डीजल वेरिएंट की, ये आसानी से मुझे 22 से लेके 23 के बीच की एवरेज निकाल के दे देती है गाड़ी। और सर्विस भी इसकी इतनी कुछ पुरानी गाड़ियों से इतनी खास नहीं है, खर्चा इस गाड़ी का पुरानी गाड़ियों से बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। और ये सामने हमारी आ रही है रेडिका, भाई इंडिकेटर तो दे ले। और ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर में नमूने जो इंडिकेटर, इनको पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिसको जिसकी मदद से कोई बड़ा हादसा रोका जा सकता है। और इंडिकेटर देने या ट्रैफिक रूल की पालना करना इनके दिमाग में घुसता ही नहीं है। और ये भाई साहब हमारे सामने चल रखे हैं SP38 के, ये आ रखे हैं हिमाचल प्रदेश मंडी से, आई थिंक SP38 वहाँ का नंबर है। और दोबारा लौटते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो बात करते हैं अब BS6 वेरिएंट के माइलेज और पिकअप की। तो पिकअप भी इस गाड़ी की पुरानी गाड़ियों से बहुत अच्छी है, जैसे कि पुरानी गाड़ियाँ पिकअप में थोड़ी दिक्कत देती थी, इसमें ऐसा काम नहीं है। ये गाड़ियाँ उन गाड़ियों से थोड़ी बेटर है चलने में। और बाकी ये थोड़ा कुछ रोड का काम लगा हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है कि गाड़ी बीच में माइलेज थोड़ी बहुत कम दे। और कई लोग क्या होते हैं कि इस चीज़ को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं या इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन लेनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ गाड़ियों में दिक्कत होती नहीं है, दिक्कत होती है जैसे ये टूटा फूटा रोड या कोई काम लगाओ रोड पर ट्रैफिक जाम में फंसोगे तो नेचुरली गाड़ी का थोड़ी माइलेज कम होगी। और अगर आप जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ 45 और 50 के बीच, तो ये गाड़ी चलती है इको मोड में। और अगर मैं इसको ज़्यादा पावर में दूंगा या ज़्यादा पावर में दौड़ाऊंगा तो नेचुरली इसकी माइलेज भी कम होके निकलेगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और दूसरा माइलेज को कम करने का रीज़न होता है ओवरलोड, जैसे कि आप पीछे देख रहे थे महिंद्रा वाले ने कर रखा था जिसकी बाटी पूरी बाहर को आ रखी थी। तो ऐसे ओवरलोड में गाड़ी चलाओगे तो नेचुरल सी बात है कि इंजन पे लोड पड़ेगा और इंजन माइलेज कम निकाल के देगा। और बात कर लेते हैं अब मेरी गाड़ी के टायर प्रोफाइल की। तो रियर टायर हैं जो मैंने 165 नंबर MRF के डलवा रखे हैं, और जो आगे के टायर हैं वो JK टायर है रेडियल। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, कई बार मैंने सुना है कि आगे पीछे बड़ा छोटा टायर होने से दिक्कत होती, दिक्कत कोई नहीं होती। बस ये है कि स्टपनी का चक्कर पड़ता है आपको कि डबल दो स्टपनी कैरी करनी पड़ती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी चलने में पूरी स्मूथ है। सोकर सस्पेंशन लीफ की बात करें तो मैंने इसमें जो पटा कमानी का काम होता है वो करवाया है, मैंने इसमें आगे एक और पीछे दो दो पटे एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी गाड़ी लोड लेने में आसानी करती है, ज़्यादा गाड़ी दबती नहीं है लोड में। और अभी भी मैं कोई 20 से 25 टन अपना क्वांटल माल लेके जा रहा हूँ, तो गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और बने रहे ऐसी मज़ेदार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में। तो कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।